हाय गाइस, मैं हूँ रोनी मुजुम्बर। आज आपको एक मेरा ज़िंदगी का एक सफ़र है, इंडिया टू बांग्लादेश, बांग्लादेश टू इंडिया। ये बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। इतना ट्रैफिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब देख सकते हैं, मैं रिक्शा में बैठा हूँ। गाइस, अगर आप लोग का सफ़र करने का इंटरेस्टेड है आप लोग, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर देगा। बांग्लादेश अच्छा सिटी है, कुछ ख़राब भी है, ये तो सब जगह में होता है। यह है बांग्लादेश बॉर्डर, आप देख सकते हैं। यह है खूबसूरत एक इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के पास ही है। थोड़ा सा सफ़र इजी हो जाएगा आप लोग का। यह है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश बॉर्डर है जहाँ पर इमिग्रेशन होता है। पब्लिक उतना सारा नहीं है जैसे कि बेनापुर बॉर्डर में होता है। बेनापुर बॉर्डर में इतना भीड़ होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, ये बॉर्डर किसी ने मुझे सजेशन किया था ये बॉर्डर से जाने के लिए। पब्लिक उतना ज़्यादा नहीं है, बट इधर के बॉर्डर एकदम ईजी है, आपको जाना चाहिए अगर आपका सफ़र करने का कोई इंटरेस्ट हो। ये है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, खूबसूरत कंट्री है और बहुत अच्छा देश है, ऐसा नहीं है। बट कुछ स्टेट होता है जो अच्छा नहीं है। यहाँ से मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो यह है, यहाँ पर रिक्शा मिलता है शेयरिंग, और ऐसा आप खाली जाना चाहते हैं तो खाली प्राइवेट जा सकते हैं आप लोग। ये 20 रुपीज़ की 30 रुपीज़ लेता है, टाका लेता है। ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देख सकते हैं, जो जिनको ट्रेन से जाना है इधर से जाता है। यह है एग्जिट पॉइंट, बाहर जाने का रास्ता है। ये मैं गेदे स्टेशन, मैं बॉर्डर पास करके आया हूँ। मैं जस्ट गेदे स्टेशन के पास ही इमिग्रेशन है, एकदम सिंपल। कोई ये है कोलकाता, एकदम ब्यूटीफुल स्टेट हमारा कोलकाता सिटी है। अब देख सकते हैं, मैं ब्रिज के आधा ही ब्रिज लिया हूँ, पूरा ब्रिज मैंने लिया नहीं है एकदम। यह है शालीमार स्टेशन, मैं अभी कुछ समय के बाद ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। मैं पहली बार मैं शालीमार ट्रेन देखा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं शालीमार स्टेशन। यहाँ से मैं पकड़ूंगा ट्रेन अदरिस्ट, ये दूसरा जिसको बॉम्बे टू कोलकाता जाना है, वो ब्यूटीफुल स्टेट, मैं आपको कोलकाता टू। सो गाइस, आप देख सकते हैं, ओके, सफ़र करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, बट मैं हर तरह के सफ़र करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और आपको क्या लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मेरे नाम से। और क्या गाइस, सो देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, उम्मीद है आप इन्जॉय करेंगे। और इंसान के लाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ करना चाहिए यार, कहीं जाना चाहिए, ये जस्ट एक मेमोरी। ओके, तो मैं स्टेशन में हूँ, मैं ट्रेन का सफ़र लेने के लिए तैयार हूँ, ले रहा हूँ। बीच बीच में आप लोग को कभी बांग्लादेश, कभी ये, कभी वो, मैं आप लोग को बीच बीच में एडिट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना गर्मी है फिर भी ट्रेन पे जाना चाहता हूँ और जा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं शालीमार ट्रेन, मैं ये पहली बार देखा हूँ ये शालीमार ट्रेन। और गाइस, बहुत गर्मी है, इज़ अ लाइफ। तो गाइस, अगर आप लोग कहीं सफ़र करते हैं तो भी बताइएगा। सो ये मेरा सफ़र है, टोटल मेरा 3 दिन का सफ़र है, 3 और रात मिला के। थोड़ा बहुत तकलीफ तो होते हैं यार, क्योंकि सफ़र में कुछ भी होता है, तो थोड़ा 19 भी चलता है यार, एडजस्ट करना चाहिए। मैं हर तरह का सफ़र मैं जाना चाहता हूँ और जाता हूँ, ठीक है। लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरा भी मिलता है, तो देखना हमको है कि हमें कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना। तो जो भी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो। ओके, मैं नया नया कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अच्छा है तो भी बताओ, या ख़राब है वो भी बताना बस, क्योंकि यार सब लोग तो वीडियो बनाते हैं, हम थोड़ा नेचुरल रखना चाहते हैं, और नेचुरल रहे तो ही अच्छा लगता है, और मुझे तो अच्छा लगता है बस नेचुरल रहना। और उम्मीद है आप लोग को मैं दिखा सका या बोल सका, समझा सका।
इंडिया टू बांग्लादेश, बांग्लादेश टू मुंबई। ओके तो ये ट्रेन का अंदर का सीन है। मैं ट्रेन इतना गर्मी है कि देख सकते हैं कि पसीना कितना गिर रहा है। और सो गाइस ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस। ओके तो आप भी कहीं जाते हैं तो आप भी बताइएगा कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ओके तीन दिन का सफ़र है मेरा, ये ट्रेन में, बस में, रिक्शा में चल के वॉकिंग डिस्टेंस है काफ़ी। इमिग्रेशन, आर्मी, पुलिस, ओके बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप लोग सफ़र के लिए जाते हैं सिंपल, ज़्यादा कुछ लोड ना लेके जाए। ओके एक बैग और दो जोड़ी कपड़ा तो आपके सफ़र में बस इजी हो जाएगा। फिर जाने भी आप इजी और चलने भी आप इजी रहेगा, हर तरह से आपको कुछ ना कुछ इजी महसूस होगा अगर आपको घूमने का शौक़ है तो। और घूमना चाहिए, इंसान के लाइफ में घूमना चाहिए, एक ही ज़िंदगी बस, ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हाँ लाइफ दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है गाइस, एक लाइफ है तो उसको जियो, मैं तो यही मानता हूँ। और साथ में प्रभु को बोलना या याद करना भूलना नहीं, क्योंकि सफ़र में वही है आपके साथ जो आपके साथ देगा। ओके सो भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए इंसान, हम कितना भी कुछ करें पर भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, अच्छे हो बुरे हो फेस करने के लिए वही एक है आपके साथ रहता है सफर, आपके साथ आपके फैमिली आपका कोई भी आपके साथ नहीं रहता है। तो उम्मीद है आप उनको भी साथ में लेके चले ज़िंदगी के हर एक सफ़र में, भगवान है, प्रभु है जो आपके साथ देता है। ओके कोई भी धर्म हो, कोई भी कुछ हो, तो आपको उनको याद करना चाहिए, मैं तो करता हूँ बस, आई बिलीव इन गॉड, क्योंकि भगवान नहीं होता तो शायद मैं इतना दिन नहीं जाता और इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर सकता। ओके सो आप लोग जाइए, ज़िंदगी में एक सफ़र लेना चाहते हैं तो लीजिए। मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि अगर कुछ टाइम मिले, काम से कुछ फुर्सत मिले, जॉब, काम, ड्यूटी, कंपनी, माँ बाप सबके लिए तो कर रहे हो, कुछ चीज़ें अपने लिए भी करना चाहिए बस। ज़िंदगी में ये चीज़ आपको याद रखेगा, ये मेमोरीज है आपका जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मैं यहाँ गया हूँ, वहाँ से आया हूँ, यही मेरी लाइफ है। ओके आज अगर आप नहीं रहा बस यही चीज़ आपको हमेशा याद देखने लग जाएगी। तो गाइस उम्मीद है आपको अच्छा लगा, तो कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर देना प्लीज़, ये मेरी सफ़र है। नेक्स्ट सफ़र बहुत जल्दी मैं तय करूँगा कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बस कहीं ना कहीं जाना, मेरा एक सपना है पूरा इंडिया घूमना है, पूरा भारतवर्ष घूमना है, पर बहुत जल्दी मैं ये सफ़र तय करूँगा, कब करूँगा ये पता नहीं, जब ऊपर वाला चाहा तो ही करूँगा। पूरा हिंदुस्तान घूमना चाहता हूँ मैं भी। ओके तो सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिल से थैंक यू।